गाइस तो ये है फोर्ड की फिगो डीजल। तो ये गाड़ी हमारे पास आई हुई थी, ये गाड़ी चलते चलते जो है स्टार्ट ऑफ हो चुकी थी। तो हम लोगों ने चेक किया करने के बाद, ये जो फ्रंट बेल्ट देख पा रहे हैं आप लोग, इसका जो है साइड में देखिए कनेक्टर आपको ब्लू कलर का भी देखा गया, वो क्रैंक्स आपका सेंसर है। तो जो है फैन बेल्ट का आपका एक हिस्सा टूट गया, वो क्रैंक्स सेंसर में लगने के बाद इसका कनेक्टर वो खुल चुका था, इसी वजह से गाड़ी वही जगह पे ही बंद हो चुकी थी। ये देखिए खुल चुका था, तो हम लोगों ने डिटेक्ट किया। अभी जो है हम लोग नया इसका फैन बेल्ट डालेंगे और बाकी कोई इशू फैन बेल्ट का ही। सो ये जो देखिए हम लोग नया फैन बेल्ट, इसका 5PK1050 ये नंबर का लगता है। सो ये लगाने के बाद एक 14 नंबर का आपका एक बोल्ट रहेगा, एडजस्टर जो है बेल्ट एडजस्टर 14 नंबर का, उसको आप लूज करके आप आसानी से इसे बेल्ट को फिट कर सकते हैं। तो गाइस मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये जो है बेल्ट अभी फिट हो रही है। तो गाइस ये देखिए मेरे टेक्नीशियन जो है 14 नंबर का आपका जो स्पैनर के साथ इतने से इसको लूज करके बेल्ट को फिट कर रहे हैं। और ठीक ये जो है आपका क्रैंक सेंसर जो मैं पूरी है वो ऊपर से है, ये एडजस्टर बेल्ट एडजस्टर तो इतना हार्ड नहीं है, बस इसको थोड़ा सा लूज करके आप बेल्ट को चढ़ा दोगे तो आराम से वो लग जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है आपका, अगर बेल्ट पूरा नहीं टूटता है तो ही ये जाके आपका सेंसर का कनेक्टर में लग के इसका वायर खोल जाता है और तब गाड़ी स्टार्ट बंद हो जाती है। तो फर्स्ट हमें ये चेक करना चाहिए, बाद में आपका और कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। Thank you.